नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष माँ लक्ष्मी आपके घरों में वास करेगी और आपके घर और परिवार में सुख और समृद्धि लाएगी। दोस्तों, सिनेमा के अंदर आजकल एक दौर चल रहा है जिसमें बड़े से बड़े स्टार की फिल्मों को भी लोग नकार देते हैं, वहीं एक छोटे स्टार की कॉन्टेंट ओरिएंटेड फिल्म को भी लोग अपनी सलाखों पर बिठा लेते हैं। और ये दौर है कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा का, और जब भी बात कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों की आती है तो राजकुमार राव का नाम पहली कतार के अभिनेताओं में आता है। इस हफ्ते भी उनकी दो फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें से एक फिल्म का नाम है छलांग, जिसे डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने और प्रोड्यूस किया है लव रंजन, अजय देवगन, भूषण कुमार और अंकुर गर्ग ने। साथ ही इस फिल्म के अंदर हमें दिखाई दिए हैं राजकुमार राव, नुसरत भरूचा, सौरभ शुक्ला, जिशान अयूब, सतीश कौशिक, इला अरुण और जतिन सरना समेत कई अन्य कलाकार। अगर फिल्म की कहानी और प्लॉट के बारे में बात करें तो एक कहानी है हरियाणा के एक छोटे से शहर के रहने वाले मोंटू उर्फ महेंद्र की, जो कि अपने पड़ोस के ही एक स्कूल में पीटीआई टीचर का काम करता है, लेकिन उस काम के अंदर उसे कोई खास रुचि नहीं है, बल्कि उसकी रुचि तो है वैलेंटाइन डे जैसे मौकों पर प्रेमी युगलों को पकड़ करके लताड़ते हुए अपनी फोटो को अखबार के अंदर छपवाने में। स्कूल में आई नई कंप्यूटर टीचर को देखते ही मोंटू उसके ऊपर फिदा हो जाता है। इधर मोंटू भी प्यार की पिंगे बढ़ा ही रहा होता है कि तभी उसकी जिंदगी में ग्रहण लगाने आ जाते हैं नए पीटीआई टीचर सिंह साहब, जो कि नौकरी के साथ साथ में मोंटू से उसकी छोकरी उड़ाने के भी फिराक में है, और इसी कारण इन दोनों के बीच में छिड़ जाती है एक जंग। और इस जंग का परिणाम क्या होगा, ये जानने के लिए आपको जाना होगा अमेजोन प्राइम के ऊपर और देने होंगे करीब 2.25 घंटे। स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले बढ़िया है और आप फिल्म के अंदर कहीं पर भी बोर फील नहीं करेंगे। पहले ही दृश्य से फिल्म एंटरटेनिंग है और थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में ही फिल्म के अंदर कई सारे अच्छे ह्यूमर वाले हिलेरियस सीन आते रहते हैं। फिल्म में दिखाई गई मोंटू के परिवार की ट्यूनिंग बड़ी ही अच्छी लगती है। इसके अलावा जतिन सरना, सौरभ शुक्ला और राजकुमार राव की तिकड़ी जब भी स्क्रीन के ऊपर आती है तो ह्यूमर का एक बढ़िया तड़का लगा के जाती है। मोंटू जब नीलिमा को इम्प्रेस करने की कोशिशें करता है तो वहां पर कई सारे दृश्य ऐसे आते हैं जिन्हें देखते वक्त आपको अपने स्कूल टाइम के टीचर्स की याद तो आती ही है, साथ ही हंसते हंसते आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा सिंह साहब और मोंटू के बीच की तकरार भी देखने लायक है। लोकेशंस, पिक्चराइजेशन और सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो स्कूल से लेकर के नुक्कड़ के हलवाई की दुकान तक, रहने वाले घरों से लेकर के सड़कों और सब्जी मंडी तक में एक लोकल हरियाणा और लोकल भारत की झलक साफ साफ दिखाई पड़ती है, जो कि इस फिल्म के मेकर्स के लिए एक कामयाबी है। म्यूजिक और डायलॉग्स की बात करें तो फिल्म का संगीत फिल्म के मूड को सूट करता है और डायलॉग्स भी मजेदार हैं, वो आपको हंसाने के साथ साथ आपका उत्साह और रोमांच भी फिल्म के अंदर बनाए रखते हैं। फिल्म के अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो कैरेक्टराइजेशन के ऊपर अच्छा काम किया गया है। फिल्म के सभी कैरेक्टर्स की बोलचाल और उनके पहनावे में क्षेत्रीय रंग साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा ये फिल्म एंटरटेन करने के साथ साथ इस देश के नौजवान युवाओं और बच्चों के पेरेंट्स को एक मैसेज भी कन्वे करती है। फिल्म की खामियों की बात करें तो क्लाइमैक्स के अंदर ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। इसके अलावा फिल्म के मूड और स्थानीय लोगों के व्यवहार के हिसाब से देखें तो फिल्म के अंदर आने वाले कुछ एक सीन्स खटकते हैं, मसलन मोंटू का अपने डैडी के साथ में शराब पीने वाला सीन। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर कोई खास खामी नजर नहीं आती है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो राजकुमार राव का काम फैंटास्टिक है, उन्होंने मोंटू के हर एक भाव को बड़े ही अच्छे से व्यक्त किया है। इसके अलावा अगर आप रूरल एरिया से पढ़े हुए हैं तो आपको उनका काम देख करके अपने स्कूल के पीटीआई टीचर की याद आना पक्का है। सौरभ शुक्ला की अगर बात करें तो उनका काम भी बढ़िया है, उनकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है और कई सारे सीन्स तो ऐसे हैं जिनमें बैकग्राउंड से ही वो आपको एंटरटेन कर जाते हैं। नुसरत भरूचा ने अपने कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज और भाषा पर अच्छा काम किया है, उन्हें स्क्रीन पर देख करके अच्छा लगता है और राजकुमार राव के साथ में उनकी बॉन्डिंग भी बढ़िया है। इसके अलावा जिशान अयूब ने जबरदस्त काम किया है, एक अग्रेसिव कोच की भूमिका में वो पूरे तरीके से रियल लगते हैं। इसके अलावा जतिन सरना, इला अरुण और सतीश कौशिक समेत अन्य कलाकारों ने भी बढ़िया काम किया है और बच्चों ने भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। अगर स्पेशल मेंशन की बात करें, मोंटू की माँ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने बढ़िया काम किया है, एक एक सीन में वो पूरी एंटरटेनिंग लेती है और उन्होंने हरियाणवी लहजे को बहुत ही अच्छे से कैरी किया है। इसके अलावा सब्जी मंडी का एक सीन आता है जो कि बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है और मेरा पर्सनल फेवरेट सीन भी वही है। साथ ही इस फिल्म के अंदर दिखाई गई मोंटू और बबलू की बॉन्डिंग भी बहुत ही अच्छी है। डायरेक्शन की बात करें तो हंसल मेहता ने अपने काम को ईमानदारी के साथ में किया है और फिल्म के ऊपर उनकी मजबूत पकड़ साफ साफ दिखाई पड़ती है। इसके अलावा कास्टिंग डायरेक्टर ने भी बहुत ही सही कास्टिंग की है,
पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इस फिल्म के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ में नहीं देख सकते हैं। तो ये फिल्म एक फैमिली वॉच है और ओवरऑल मैं इस फिल्म के बारे में यही कहना चाहूंगा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। रहा सवाल रेटिंग का, तो मेरी रेटिंग है इस फिल्म के लिए 3.5 out of 5। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल की बेहतरी के लिए अपने सुझाव देना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।